पर्पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम किरदार निभाने वाले संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय पर एक आयोजन किया, जिसमें धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवी वर्ग के जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। देश दो राहे नाम पर से आयोजन इस प्रोग्राम में जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब ने समाज में व्यापक सांप्रदायिकता पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सांप्रदायिकता से निपटने और देश से नफरत को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस समय देश के शांति पसंद तबके को एक साथ एक मंच पर आना होगा और एकता का सबूत देना होगा। उन्होंने कहा कि अगर जिंदा रहना है तो इत्तेहाद को कायम करना होगा। उन्होंने उन मुस्लिम राजनीतिक पार्टियों पर भी निशाना साधा जिन पर भाजपा को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि पीस पार्टी, उलेमा काउंसिल और दूसरी ऐसी ही पार्टियां फासिस्टों को फायदा पहुंचा रही हैं, लिहाजा इनसे दूरी बढ़ती जाए। इसी कार्यक्रम में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी साहब ने कहा कि हमें सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना होगा। पैच व्योत्री मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि पीस पार्टी, उलेमा काउंसिल और दूसरी ऐसी पार्टियां फासिस्टों को फायदा पहुंचा रही हैं, लिहाजा इनसे दूरी बढ़ती जाए। इसी कार्यक्रम में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी साहब ने कहा कि हमें सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना होगा। कार्यक्रम में शिरकत करने आए लिंगायत समाज के प्रमुख शिवरुद्र लिंगायत ने कहा कि जिन दावों के बूते पर भाजपा सत्ता में आई वो उन्हें भूल चुकी है। स्वामी लिंगायत का कहना है कि हमें प्यार और संवाद के जरिए इस नफरत को खत्म करना चाहिए। वही ज़कात फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर महमूद ने भी अल्पसंख्यकों और दलितों की किब्दा हाल स्थिति के लिए सरकारी तंत्र में इनके अल्प्रतिनिधित्व को कारण बताया। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आगे बात बढ़ाते हुए कहा कि अगर सरकारें इस रिपोर्ट पर काम करें तो दबे कुचले तबकों को काफी भला हो जाएगा। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और आर्य समाजी स्वामी अग्निवेश ने सरकार के काम की मंशा पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर सरकार को चुना गया वो उसमें विफल रही। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए सरकार गैर जरूरी मुद्दों को उठा रही है। इस सम्मेलन के दौरान एक कोर कमेटी भी बनाई गई, जिसका उद्देश्य इस चर्चा को और आगे ले जाना और आगे की राह तय करना था। इस कमेटी में स्वामी अग्निवेश, प्रकाश अंबेडकर, सुरेश खैरनार, प्रोफेसर कांचा इलिया, नितिन चौधरी, राकेश बहादुर, हर्ष मंदर और कुर्बान अली थे। कमेटी में कुल 12 मुद्दों पर बात की, जिसमें अल्पसंख्यक और दलित प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाना, हर हाल में संविधान की रक्षा करना और इसके लिए भारी संख्या में आदिवासी और दलित लोगों की सहभागिता, निजी स्कूलों का विरोध और सभी के लिए सम्मान शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।